कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तुतस फल चाखा। शनि महाराज कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली में वक्री होने जा रहे हैं। शनि महाराज का वक्री होना कुंभ राशि में बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है। शनि महाराज की जो तीनों दृष्टियां हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं, ये कुंडली के किस भाव में पड़ रहा है, शनि महाराज किस भाव में वक्री होने जा रहे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, इनका परिणाम क्या क्या निकलेगा, एक एक करके सारी चर्चा बारीकी से मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, कुंभ राशि के जो जातक हैं, जो आपके स्वामी हैं, वो हैं शनि महाराज। शनि महाराज आपकी कुंडली के लग्न में इस समय बैठे हुए हैं और उसी जगह पर परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसी जगह पर वक्री होने जा रहे हैं। वैसे जो न्याय के देवता बोले गए हैं वो हैं शनि महाराज। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। ये जिसकी कुंडली में अच्छा होते हैं, जिसके कुंडली में अच्छी दृष्टि से देखते हैं, जिसकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठ जाते हैं, उसको राजा बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। और यदि जिसके ऊपर ये गलत नज़र दे दें, जिसके ऊपर ये गलत प्रभाव दे दें, गलत भाव में बैठ जाएँ, तो आपका जो किया दिया कार्य भी होता है सब पे पानी फेर देते हैं। ये न्याय के देवता बोले गए, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये कर्म के देवता हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। पहले ही मैं बता दिया हूं कि ये कर्म के देवता हैं। कर्म के अनुसार ही आपको फल देते हैं, लेकिन यदि आपके कर्म कुछ गलत हो गए हैं तो उसके लिए उपाय भी बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपको उपाय क्या करना चाहिए उस पर भी चर्चा करूँगा। और शनि महाराज वक्री कैसे हो गए हैं, कहाँ पे हो गए हैं, कितने दिन के लिए हो गए हैं, वो भी बताऊँगा। शनि महाराज 30 जून से लेके 14 नवंबर 2024 तक आपकी कुंडली में वक्री रहेंगे 139 दिन के लिए। शनि महाराज वक्री का मतलब होता है कि अभी तक जो ये तीन दृष्टि से देख रहे थे, तीसरी, सातवीं, दसवीं, अब एक दृष्टि इनको और मिल जाएगी वक्री होने के बाद, बारहवीं दृष्टि। ये जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव से एक भाव पीछे भी अब देखना प्रारंभ कर देते हैं। इनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है, जिसके वजह से इनकी जो स्पीड है, जो इनका काम है वो बढ़ जाता है, और स्पीड गति जो है वो कम हो जाती है। काम बढ़ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके अंदर आलस्य, नींद, घृणा, क्रोध, जमहाई, ये सब का प्रमाण बढ़ जाएगा। आज का कार्य कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, किसी के बातों पे, छोटी छोटी बातों पे आपको ईर्ष्या घृणा आने लगेगा, नींद आपको सताने लगेगी। तो यहाँ पे आपको शनि के लिए क्या उपाय करना चाहिए वो भी बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो भी आप हमसे सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुंभ राशि के जो जातक है, शनि महाराज आपके कुंडली के लग्न में विद्यमान है और वहीं पे वक्री हो रहे हैं। लग्न का मतलब होता है जहां से आपका तन देखा जाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा देखा जाता है, वैभव संपदा देखा जाता है। शनि महाराज लग्न में बैठ के आपकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, आपके तेज में वृद्धि करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो दुर्बलता है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, आपके मन में जो डर होगा ना वो थोड़ा सा बढ़ेगा, शारीरिक रूप से आप थोड़े से दुर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, आपका वजन घटेगा। वजन घटने पर भी आपका जो चमक है शरीर का वो कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तेज में वृद्धि कर रहे हैं लेकिन शारीरिक दुर्बलता दे रहे हैं, चेहरे का तेज बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर शनि महाराज की जो प्रथम दृष्टि है, एक जगह पर आपको फायदा पहुंचा रहा है, दूसरी जगह पर आपको नुकसान पहुंचा रहा है। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो कुंडली के तृतीया भाव पे पड़ रहा है, जहां से आपका साहस देखा जाता है, जहां से आपके विचार देखे जाते हैं, शौर्यता, वीरता। तो यहां पे आपके साहस में तो वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन आपका भाई के साथ, छोटे बहन के साथ आपका उतना ज्यादा बनेगा नहीं, छोटे भाई बहन के साथ आपका विवाद बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कुंडली के तीसरे भाव में मंगल महाराज जी बैठे हुए हैं, तो मंगल के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही, तो यहाँ पे आपके अंदर जिद कापन, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, इसको थोड़ा सा आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। शनि महाराज की जो सातवीं दृष्टि है, ये कुंडली के
सप्तम भाव पे पड़ रहा है, यहां से जो आपका स्त्री सुख होगा ना वो थोड़ा कम होगा, पत्नी सुख आपको कम मिलेगा। यदि पत्नी आपको अभी तक प्रेम कर रही थी, प्रेम दे रही थी, तो यहाँ पे उनमें प्रेम में थोड़ी सी कमी करने जा रहे हैं शनि महाराज। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा था तो उसमें और लेट करने जा रहे हैं। और जो पुरुष वर्ग है उनके लिए बोल रहा हूँ, जो स्त्री वर्ग हैं उनके लिए शनि महाराज उनके शादी के योग बना रहे हैं, और पुरुष उनसे जो भी अट्रैक्ट होंगे उनके साथ प्रेम प्रसंग ज़्यादा करेंगे। स्त्रियों के लिए शनि महाराज अच्छा है और पुरुषों के लिए शनि महाराज यहाँ पे गलत परिणाम देने जा रहे हैं। स्त्री सुख नहीं मिलेगा, पुरुष सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ बिजनेस व्यापार में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको जाके थोड़ी बहुत जो सफलता है वो प्राप्त होगी। यदि आप मेहनत अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको उतना ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं होगा। यदि आपको लाभ कमाना है तो आपको मेहनत अधिक करना ही पड़ेगा, तभी आपके लाभ का प्रमाण बिजनेस में बढ़ेगा। अन्यथा आप बात विवाद में मत पड़िएगा, क्योंकि आपके अंदर जिद का प्रमाण शनि महाराज बढ़ाने जा रहे हैं, मंगल के ऊपर गलत दृष्टि दे रहे हैं। तो बिजनेस व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में आपको अपने पेशेंस पे थोड़ा सा काबू करना है, पेशेंस बढ़ाना है, घटाना नहीं है आपको। शनि महाराज की जो दसवीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के दशम भाव पे पड़ रहा है, कर्म के क्षेत्र पे पड़ रहा है, तो आप अपने कर्म को बिल्कुल ईमानदारी से निष्ठा से करिएगा। यदि आप अपने कर्म को निष्ठा से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो ये महीना आपको सुख और समृद्धि देगा। पिता के साथ आपका उतना ज़्यादा नहीं बनेगा, पिता का सुख जो है वो आपको प्राप्त नहीं होगा, आपका उनके साथ अनबन निश्चित रूप से होगा, या फिर उनकी बीमारी को लेकर आप परेशान होंगे, पिता की वजह से आप परेशानी में ज़रूर पड़ेंगे, चाहे उनके विचारों से या उनके बर्ताव से, आप उनकी वजह से टेंशन में रहोगे। तो यहाँ पर आपको अपने पिता के साथ अच्छा बात करना है, समन्वय बनाना है, जिसके वजह से आपको जो उनका प्रेम है वो आपको प्राप्त हो सके। शनि महाराज वक्री होने के बाद जो एक अतिरिक्त दृष्टि मिल रही है वो बारहवीं दृष्टि मिल रही है। शनि महाराज बारहवीं दृष्टि से वक्री होने के बाद जो प्राप्त हुआ है वहां से आपके खर्चों में वृद्धि कर रहे हैं। खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन उस खर्चे की वजह से इन फ्यूचर में आपको लाभ भरपूर प्राप्त होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को आप ज़रूर कर लीजिएगा। उपाय में क्या करना होगा आपको, उपाय में आपको शनिवार के दिन अपने बराबर सात हाथ के बराबर आपको काला धागा ले लेना है और पीपल में ले जाके उसको बांध देना है। साथ ही साथ एक मुखी दिया शनिवार के दिन बजरंग बली के नाम से किसी भी पीपल के नीचे या मंदिर में जाके आप एक मुखी दिया, आटे का दीपक होना चाहिए, राई का तेल डाल के एक मुखी दिया आप जला सकते हैं। साथ ही साथ आप नीलांजन क्षमाभाषम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मातरम ढसम भूषम तम नमामि शनिश्चरम ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, जिसे करने में आप सक्षम है वो उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।